हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली स्टारगेट। आज इस छोटे सी वीडियो में हम ग्रुप ऑफ सेवन देखेंगे, ठीक है। कभी कभी आप सुनते हो G7, ठीक है, और G8 भी सुनते होगे, किसी किसी ने तो G6 भी सुना होगा। तो ये जितने भी कन्फ्यूजन है सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे उतने जितना मतलब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि हम उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें भारत सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो जिस ग्रुप में भारत सम्मिलित नहीं होता उसको इतना अंदर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ग्रुप ऑफ सेवन पावरफुल कंट्रीज का ग्रुप है, इसलिए इसको पढ़ना भी आवश्यक है, छोड़ भी नहीं सकते, ठीक है। तो चलिए सबसे शुरू में इसको देखिए, ग्रुप ऑफ सेवन। इसकी सबसे पहले वेबसाइट देख लीजिए, वेबसाइट ऐसा है ये, ठीक है। 2018 जो सम्मेलन हुआ था वो कनाडा में हुआ था, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो इसकी वेबसाइट आपको विजिट कर लेनी चाहिए, ठीक है। चलिए देश देख लेते हैं कौन कौन से है। अमेरिका यानी यूएसए, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, कनाडा, ये परमानेंट मेंबर है, सिंपल, ठीक है। स्टार्टिंग में सिक्स थे, फिर सेवन हो गए। 1997 में रशिया भी आया था जब G8 हो गया था, क्यों हटा सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इन देशों को मैंने दिखा तो दिया, इनके लोकेशन भी देखना आवश्यक है। चलिए लोकेशन भी देख लेते हैं। देखिए ये है यूएसए, ये और ये अलास्का, ये दोनों मिला के इसको बोलते हैं यूएसए यानी अमेरिका, ठीक है। इतना इसको आप यहाँ से डिवाइड कर दोगे इतना, ठीक है। ये यूएसए और ये अलास्का का पार्ट भी यूएसए का ही है, सिंपल। इसके ऊपर कनाडा है, दो देश तो ये हो गए, ठीक है। तीसरा इधर आइए आप, ये जापान है, ठीक है। तो ये जापान भी है। चौथा, ये चौथा देखिए, जो भी ग्रीन में है, ठीक है, ये वाला ग्रीन मतलब जो हल्का ग्रीन है उसमें नहीं, ठीक है। तो ये है यूनाइटेड किंगडम, ये देखिए ये है, मैं आपको इसे असली मैप में भी दिखा दूंगा। ये क्या है, ये है फ्रांस, सिंपल। कितने हो गए, पांच। और ये क्या है, ये है जर्मनी, जहां से मैं मार्क करके ले जा रहा हूँ। और ये इटली है, सिंपल, ठीक है। ये रशिया भी शामिल था लेकिन रशिया को हटा दिया गया था 2014 के बाद, वो मैं बताऊंगा कैसे हटाया था, ठीक है। तो ये तो हमने इनके कंट्री देख लिया, ठीक है। अब हम आप मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे सिंपल, ये हमारा प्यारा भारत, ठीक है। सबसे पहले से आप वेस्ट में जाइए, बिल्कुल वेस्ट में, यह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सिंपल। तो एक तो ये कंट्री है, इसका ही भाग यहाँ पर जो अलास्का दिख रहा है आपको, ये अलास्का, ये भी उसी का पार्ट है यूएसए का ही, सिंपल। ये अलास्का की बाउंड्री यूएसए से नहीं लगती है, इसलिए पानी के जहाज से या प्लेन से जाना होगा अलास्का में, सिंपल। इसके ऊपर ही कंट्री है कनाडा, ठीक है। कनाडा अलग देश है, ठीक है, ये भी इसका पार्ट है। तो दो देश तो यहाँ पे हो गए। अब आप चलिए यूरोप में आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा यूरोप कहा जाता है। यूरोप में आप जूम करेंगे, देखिए ये है फ्रांस, दिख रहा होगा आपको, तीसरा कंट्री है। इसके ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, और ये है यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन। तो ये पूरा ना, ये आयरलैंड अलग देश है, ये नहीं है, ये इधर दिख रहा होगा ना, ये बाउंड्री आपको दिख रही होगी ऊपर। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट है, सिंपल। लेकिन इस बाउंड्री के नीचे आयरलैंड ये अलग देश है, ये G7 में नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो चार कंट्री हो गए। अब पांचवे पे आइए आप, पांचवे पे देखिए जर्मनी, जर्मनी भी है, सिंपल। बाउंड्री आप देख सकते हो उसकी, ठीक है। इसके नीचे आइए आप, ये देखिए इटली, ठीक है, इटली भी G7 का पार्ट है। तो सिक्स कंट्री हो गए। अब पढ़ते हैं हम सेवेंथ वाले के पास। सेवेंथ वाले में आप जाओगे, ये हमारा इंडिया, इंडिया के ईस्ट में जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में, ये देखिए जापान, ठीक है। ये पूरा जापान इतना बड़ा छोट, ठीक है, ये भी G7 का पार्ट है, सिंपल। तो मैंने इनकी लोकेशन भी दिखा दी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं इनका फॉर्मेशन, मतलब कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, देखिए बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बिल्कुल, ठीक है। देखिए इस मंच की स्थापना फ्रांस द्वारा 1975 में समूह G6, तो अब आपको G6 में कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ 1975 यानी एक साल तक ही G6 रहा था, ठीक है। उस टाइम तक कनाडा सम्मिलित नहीं था, यानी 1975 में इसकी स्थापना हुई, 1975 में सिक्स देश थे, छह देश थे, कौन कौन से थे, सबसे धनी थे, ठीक है, वो तो आज भी धनी है, ठीक है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी जो आज G7 है उस टाइम पे कनाडा नहीं था। अब देखिए 1976 में, तो G6 आपको समझ आ गया, G7 क्या है वो तो बता ही दिया। देखिए 1976 में इसमें कनाडा को, 1976 में कनाडा को शामिल किया गया, सिंपल। तो इसका नाम बदल के समूह सेवन या G7 कर दिया गया, सिंपल, ठीक है। अब देखिए G7 भी पता चल गया। अब देखिए G8 का भी कभी बहुत डिस्कस होता है, ठीक है, चर्चा में रहता है G8 भी। देखिए 1997 में क्या हुआ था, इसमें रूस को भी शामिल किया गया, ठीक है। रूस मैंने दिखाया आपको मैप में, और उसका मंच का नाम, सॉरी, इसके मंच का नाम बदलकर G8 कर दिया गया 2018
तो अब आपको G6 भी समझ आया होगा, G7 भी समझ आया होगा, ठीक है। तो समूह 8 के अंतर्गत सदस्य राष्ट्र यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व भी करते थे। यूरोपीय संघ क्या है? EU, यानी जो यूरोप के कंट्री ने मिलकर अपना संघ बनाया हुआ है, ठीक है, उसका प्रतिनिधित्व भी करते थे, लेकिन वे उसमें सदस्य के तौर पे देखे लिखा भी है, पर ये G8 था सिंपल, ठीक है। अभी मतलब एक सदस्य के रूप में उसको शामिल अब तक नहीं किया गया था, अब भी किया नहीं गया है, ठीक है। अब देखिए, प्रत्येक वर्ष इस बैठक की, मतलब जो ये G7 है, ये G8 है, अभी G8 ही कहिए आप इसको, ठीक है। G8 की मेजबानी का दायित्व तो सदस्य राष्ट्रों में इस क्रम में होता है, देखिए, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन के बाद रूस आता है। बस आपको हायरार्की याद नहीं रखनी है, ठीक है, बिल्कुल याद नहीं रखनी है। जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा, ठीक है, ऐसे हायरार्की होती है, सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए, मैं इनके आपको बता देता हूँ कि अब कब इनके सम्मेलन हुए, ठीक है। सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ? सबसे पहला सम्मेलन हुआ 1975 में, फ्रांस में हुआ था ये, ठीक है। उस टाइम पे G6 था, उस टाइम पे कनाडा नहीं था। दूसरा कहाँ पे हुआ? दूसरा 1976 में हुआ, USA में हुआ, अमेरिका में हुआ, ठीक है, इसमें इसमें कनाडा ने ज्वाइन किया, लिखा हुआ इधर, ठीक है। तीसरा कहाँ पे हुआ? तीसरा छोड़ दीजिए, बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो 23 आपको याद रखने की जरूरत है, ये कहाँ, ये 1997 में हुआ था, ठीक है। इसके बीच में थर्ड, फोर्थ, फाइव, ऐसे ऐसे 22 हुए होंगे, उनको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 23rd पे आते हैं हम सीधा का सीधा, ये वो भी USA में हुआ था 23rd, ठीक है। इसमें G8 यानी इसी में रूस को सम्मिलित किया गया था, देखा हुआ इधर, सिंपल। अब देखिए 32, 32 क्यों? क्योंकि रशिया में पहली बार हुआ था, 32, सिंपल, देखिए सिंपल, ठीक है। अब देखिए 14, देखिए 14, 14 भी रशिया में हुआ था 2014 में, ठीक है। अब देखिए, जब ये सम्मेलन हो गया, उसके कुछ दिनों बाद ही आ गया क्रीमिया संकट। क्रीमिया संकट में दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले बता देता हूँ, क्रीमिया संकट को आते ही रशिया ने वहां पे अपना अधिकार कर लिया क्रीमिया में, ठीक है। क्रीमिया में अधिकार कर लिया, वो भी जबरदस्ती, ठीक है, क्योंकि क्रीमिया जो पार्ट है वो यूक्रेन का पार्ट है, मैं दिखाऊंगा मैप में, ठीक है। तो वहां पे अधिकार कर लिया, तो उसको G7 से बाहर निकाल दिया, सिंपल। अब देखिए क्रीमिया देख लेते हैं, ये रशिया है, ठीक है, इतना बड़ा कंट्री, काफी बड़ा कंट्री है, सबसे बड़ा कंट्री है रशिया, ठीक है। इसके नीचे देखिए यूक्रेन, ये दिख रहा होगा आपको यूक्रेन, सिंपल दिख रहा है यूक्रेन, ठीक है। ये सोवियत यूनियन का ही पार्ट था, लेकिन आज सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं है, ठीक है, यानी कभी रशिया का ही पार्ट था, लेकिन आज अलग देश है, देखिए यूक्रेन है। इसके नीचे आपको ये दिख रहा होगा सेवास्तोपोल, ठीक है, इसको यूक्रेन बोला जाता है, ठीक है। इस पे आधिपत्य कर लिया किसने? रशिया ने, सिंपल, ठीक है, इसीलिए इसको बाहर निकाल लिया गया था, ठीक है। ओके, अब देखते हैं 41, 41, अब इसको देखिए बाहर तो निकाल दिया गया, लेकिन अब तक हायरार्की ऐसी बनी हुई है, क्योंकि इसको जब इसने हेल्ड, इसने सम्मेलन की यहाँ पे हुआ था, तो तभी इसको थोड़े दिन बाद इसको बाहर निकाल दिया गया है, यानी अब इसमें सम्मेलन कब होगा? इसमें सम्मेलन होगा लगभग 2022 में, ठीक है, क्योंकि 8 देश है, अब तो 7 रह गए, 2014 से बाद 2015 में 7 रह गए, सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो यदि 2022 तक इसको सम्मिलित नहीं किया गया, तब हायरार्की जो उनकी हायरार्की है कि इस देश में होगा, फिर इस देश में होगा, फिर इस देश में होगा, तब वो टूटेगी, लेकिन अभी तक नहीं टूटी है। 2022 तक यदि इसको सम्मिलित नहीं किया गया तो टूट जाएगी, ठीक है। 2015 में कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ, रशिया इसमें सम्मिलित नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्रीमिया में उसने अधिकार कर लिया, तो उसको बाहर निकाल दिया गया, तो ये फिर से G7 बन गया यहाँ से, सिंपल। तो अब जब से G7 नहीं है, अब तक रशिया को सम्मिलित नहीं किया गया है, ठीक है। 42 हुआ होगा, फिर 43 हुआ, 43 2017 में हुआ, ठीक है, इटली में हुआ, सिंपल, ठीक है। G7 ही हुआ क्योंकि रशिया को सम्मिलित नहीं किया गया। और अभी हाल में 44 हुआ है 2018 में, 8-9 जून को 2018 में ये हुआ है कनाडा में, ठीक है, इसमें भी G7 ही है। और अगला कहाँ पे होगा? अगला फ्रांस में होगा, ठीक है। फिर 46 होगा, फिर 46 होगा USA में, 47 होगा ब्रिटेन में, फिर 48 होगा रशिया में, लेकिन रशिया तो सम्मिलित नहीं है, तो हो सकता है तब तक सम्मिलित हो जाए, ठीक है, लेकिन चांस कम है, देखते हैं जो भी होगा, ठीक है। तो ये हो गए सिंपल, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, हाँ, तो जो अब ये जो 44 हुआ है, जो 44 हुआ है यहाँ पे, कहाँ पे हुआ है? कनाडा में। तो इसमें किस किसने भाग लिया था? तो सिंपल, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान,
यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ये तो 7 परमानेंट मेंबर है इनकी, तो कोई मतलब G7 नाम है इसका, तो परमानेंट मेंबर रशिया ने नहीं लिया, रशिया को तो बाहर निकाल दिया गया था। जो यूरोपीय यूनियन है जिसने अब तक इनको सदस्य के तौर पर मान्यता नहीं दी है, उनके लोगों ने भी, दो लोग भाग लेते हैं हर जगह ही भाग लेते हैं, कमीशन प्रेसिडेंट और काउंसिल प्रेसिडेंट, ठीक है। मैं इनके आपको फोटो भी दिखा देता हूँ सबके, देखिए यह है कनाडा के प्रधानमंत्री है, फ्रांस के है, ये जर्मनी की चांसलर है, ये इटली के है, ये जापान के शिंजो आबे, ये यूनाइटेड किंगडम की, और ये तो ट्रम्प साहब है, ठीक है, और ये दो जो यूरोपीय यूनियन से है, सिंपल। तो ये तो परमानेंट मेंबर है और ये भी भाग लेते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों को इन्वाइटेड भी किया गया था, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। देखिए इन लोगों को इन्वाइटेड किया गया था, ठीक है, अर्जेंटीना, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, हैती, ये सब, ठीक है। और कुछ लोग जो वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था है, ठीक है, आए उनको भी इनवाइट किया गया था, जैसे IMF की जो डायरेक्टर है उनको भी इनवाइट किया गया था, OECD का डायरेक्टर इनको भी इनवाइट किया गया था, यूनाइटेड नेशन के जो अभी सिक्योरिटी है उनको भी इनवाइट किया गया था, और वर्ल्ड बैंक की जो CEO है उनको भी इनवाइट किया गया था। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो केवल बस आपके नॉलेज के लिए है, सिंपल। तो बस इसमें इतना ही है, इससे ज्यादा मत पढ़िए, ठीक है, सब कुछ आपका इसमें कवर हो गया। थैंक यू वेरी मच।